सबलगढ़ रामपुर थाटी पर स्थित राधा माधव गौशाला में गोपाष्टमी का त्यौहार विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है। इसमें नगरी क्षेत्र की महिलाएं एवं पुरुष पहुंचकर गौवंश की आरती कर गौ पूजन किया गया। सभी मिलकर गायों को चारा डालते हैं एवं सभी महिला पुरुषों को अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। शनिवार शाम 4 बजे राधा माधव गौशाला पर गोपाष्टमी का त्यौहार मनाए जाने के लिए सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष एकत्रित हुए। महिलाओं ने नाच गाकर राधा व गोपाष्टमी के अवसर पर पूजन करती महिलाएं कृष्ण के मंगल गीत गाए गए। कई महिलाएं नाचते हुए भाव विभोर भी हो गई। सभी महिलाओं ने गौ पूजन कर गौ माता की आरती उतारी गई। महिलाओं के आने जाने की व्यवस्था गौशाला प्रबंधन समिति ने करवाई गई। राधा माधव गौशाला की स्थापना मई 2016 में हुई थी। इस गौशाला का संचालन कैलाश चंद्र भगत एवं बनवारी लाल गुप्ता एंड कंपनी ने जन सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें कुछ व्यापारी एवं अन्य गौ सेवकों ने गौ सेवा करना अपनी दिनचर्या बना लिया है। जन्म दिवस मनाए जाने की अपेक्षा गौ सेवा के लिए चारा डालकर मनाए जाने का रिवाज धीरे धीरे बढ़ रहा है। देश विदेश में भी रह रहे लोगों ने फोन पे के माध्यम से गौवंश के लिए चारा डालकर मनाया जाता है। अधिकांश युवाओं में भी गौ पूजन करने का सेवा भाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहर के वरिष्ठ नागरिक एवं महिलाएं को पूजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रही है। आज राधा माधव गौशाला पे जो प्रोग्राम किया है आपने, उसके बारे में विस्तार से जानकारी बताएं। आज गोपाष्टमी का एक महापर्व है। श्री राधा माधव गौशाला में जो प्रोग्राम किया जाता है, ये वर्ष भर का एक सबसे बड़ा हमारा पर्व माना जाता है। आज के दिन हमारे सबल की जो बस्ती के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, गौशाला में आकर के गौ माताओं का पूजन करते हैं और मंडल के लोग, सारे मंडल के लोग इकट्ठे होकर के कीर्तन भजन गा करके और पूरे दिन धूमधाम से राधा माधव गौशाला में इस प्रोग्राम को मनाते हैं। बाद में सब लोग उस पूरी गौशाला में गैलरियों में खड़े होकर के अपना दीपक जलाते हैं, अपना प्रसाद हाथ में लेते हैं, थाली लेते हैं, गौ माताओं का पूजन करते हैं, हल्दी चंदन वगैरह लगा करके, वस्त्र उड़ा करके गौ माताओं का पूजन करते हैं, उनके चरणों की धूल लगाते हैं और फिर दीपक जला करके गौ माताओं की आरती करते हैं। आज करीबन 300 महिलाओं ने श्री राधा माधव गौशाला में गौ माताओं का पूजन करके और गौ माताओं की आरती करके इस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह मनाया और बाद में अन्नकूट का प्रसाद भी वितरण किया गया और जो गौशाला के जो कर्मचारी थे और गौशाला के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे उनको बैठ करके भोजन कराया गया। सभी के लिए बहुत बहुत हमारी समिति आभारी है।